सो एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर, ड्यूरिंग हेयर ट्रांसप्लांट तो आपने बताया कि पेन ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में कहीं परसिस्टेंट पेन रह जाए मेरे? तो ये काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है, उसको मैं अच्छे से एड्रेस करना चाहता हूँ। देखिए, पेन की बात करें तो हेयर ट्रांसप्लांट के जस्ट बाद के अंदर कभी कभी थोड़ा बहुत पेन होता है, बट दैट कैन बी इजिली मैनेजेबल विद द मेडिकेशन। वो ज़्यादा नहीं होता है और नेक्स्ट 4 to 5 डेज के अंदर ऑलमोस्ट सारा पेन आपका चला जाता है। लेकिन आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 20 डेज कुछ ऐसे एरियाज होते हैं हमारे, कह सकते हैं स्कल्प के ऊपर, मे बी ऑन द रिसिपिएंट एरिया, मे बी ऑन द डोनर एरिया, जहाँ पे लगता है कि आपको कुछ एरिया पे पेन होने का चांसेस रहता है। देखिए, अगर हम कोई भी स्किन को अगर हम कट करते हैं तो स्किन का जो हीलिंग का पार्ट होता है, हीलिंग कितने दिनों में होती है? रफली 7 to 10 डेज में आपका हील हो सकता है। लेकिन जो नर्व्स होती है, वहाँ पे जो नर्व्स कट होती है, उसको हील होने में ज़्यादा टाइम लगता है, फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स या कभी कभी ईयर्स भी लग सकते हैं उस एरिया के अंदर नर्व्स को हील होने में, तो हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ओके, तो कुछ ऐसे एरियाज होंगे आपके हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में आफ्टर 1 month or 2 months कि आपको लगेगा कि डॉक्टर कुछ एरिया है जहाँ पे मुझे अभी भी कह सकते हैं ज़्यादा नंबिंग फील होती है, कुछ टच फील नहीं होता है, तो कुछ ऐसे एरियाज भी होंगे जहाँ लगेगा कि आपको कि हाँ डॉक्टर आई हैव द पेन ऑन दैट एरिया। तो मोस्ट ऑफ टाइम ये जो पेन और कह सकते हैं नंबिंग जो इफेक्ट होता है आपके स्किन के अंदर हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में 3 to 4 months या 5 months में चला जाता है। तो आफ्टर 5 months और 6 months के बाद में मेरे को किसी ने शिकायत नहीं की डॉक्टर कि अभी भी मेरे को पेन हो रहा है या ज़्यादा नंबिंग इफेक्ट आ रहा है। सो व्हाट आई फील दैट विद टाइम आपका नर्व्स होता है वो धीरे धीरे हील कर जाता है और कोई भी इस तरह की परसिस्टेंट कह सकते हैं कि पेन वाला पार्ट नहीं रहता है। सो ये था इसका आंसर। और भी कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिए, उसका हम एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।